नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नाइट रिसर्च सेंटर में एक बार फिर से। सभी को जय श्री राम, जय महाकाल, राधे राधे। और कैसी चली है आप सभी की प्रेपरेशन? आई होप आप सबकी प्रेपरेशन जो है काफ़ी अच्छी चली हुई है। और साउंड और स्क्रीन का मुझे बता दीजिए एक बार, अगर ऑल गुड है तो वी विल स्टार्ट आर सेशन। प्यारे प्यारे बच्चों, एचआरटीसी के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं स्टडी नाइट के, उन सभी बच्चों को मैं स्टडी नाइट के टीचर्स की तरफ से यही कहूँगा कि कल के लिए आप सभी ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ठीक है? ना ही ज़्यादा एज सच प्रेशर लीजिए। और ये भी कहूँगा कि इस स्टेज पे नई चीज़ें मत पढ़िएगा, ठीक है? दैट विल नॉट हेल्प यू। जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करिए, रिवीजन दीजिए उसको। और यही है लास्ट डे पे, आपको वैसे तो पढ़ना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आज के दिन आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए था, पिछले कल भी आपको पढ़ना नहीं चाहिए था, कि आपकी प्रेपरेशन उस वे में होनी चाहिए थी कि है ना, डजेंट मैटर। जबकि थोड़ा उल्टा होता है प्रोसेस, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, वो लास्ट के एक दो दिन में ही सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, है ना? और लास्ट के दिनों की खास बात यह है कि बच्चा ये सोचता है कि ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, जबकि आएगा वो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? सिंपल सी बात है, आपके साथ साइकोलॉजी यहाँ पे चलती है हल्की फुल्की, तो वो आप नहीं समझ पाएंगे, वो तीसरा इंसान समझ पाएगा जो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। आप तो दे रहे हैं, आप तो सिस्टम में हैं, आप कैसे समझेंगे? चलिए, तो ये थी कहानी। और सभी को चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, सोशल स्टडीज़ के 50 सवाल हैं और एचपी जीके के 100 सवाल हैं। इन क्वेश्चंस को देख लीजिए एक बार, इम्पोर्टेंट है, बेसिक से हैं, आसान से हैं, लड्डू से सवाल हैं। आएंगे, कल आपका पेपर है तो लास्ट क्लास होने वाली है कंडक्टर के जितने बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा इसी को। गुड इवनिंग टू ऑल, आई होप आप सब बढ़िया कर रहे हैं अपने अपने लाइफ में। यू आर डूइंग रियली रियली गुड, सो लेट्स स्टार्ट, है ना? एडमिट कार्ड वगैरह कर लिए आपने डाउनलोड या फिर नहीं किए हैं? कल ही करना है। चलिए, ये रही मोटिवेशन एचआरटीसी के जितने बच्चे हैं। क्या है मोटिवेशन सुनिएगा, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। सो दैट्स द मोटिवेशन, वी आर गोना स्टार्ट विद एचपी जीके एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर वन ये रहा, तो थोड़ी स्पीड में करेंगे नो डाउट। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटियां निर्मित हुई है? सतलुज होगा, ब्यास होगा, राबी होगा या फिर चिनाब होगा? ग्रेट, बहुत बढ़िया योगेश जी, पुष्पा बहुत बढ़िया, नागिन, संजीव कुमार, केडी ठाकुर, एक्सप्लोर हिमाचल, रवि धीमान, सुनिधि, आयुषी, हैव बीन ग्रेट। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्यास नदी जो है उसी से निर्मित हैं ये घाटियां। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? दुधोन ग्लेशियर है आपका, पार्वती ग्लेशियर है, बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर है, या फिर कौन सा होगा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर? हमने तो 5,000 सवाल किए हैं एचपी जीके के, ठीक है? तो प्रैक्टिस आपने अच्छी की है, ताबड़तोड़ की है, 6 घंटे आपने अलग पढ़ा है और 10 घंटे आपने एक हफ्ता पहले भी प्रैक्टिस किया, उस वक्त आपकी जरूरी थी वो प्रैक्टिस, है ना? इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन बड़ा सिकड़ी ग्लेशियर सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, मुलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू या फिर चंबा? ए बी सी या फिर डी? बहुत बढ़िया राजकुमार, अवनी, केडी ठाकुर, ग्रेट। द करेक्ट आंसर इज किन्नौर में है मुलगन घाटी। क्वेश्चन नंबर फोर, कौन सा दर्रा लाहौल क्षेत्र को चंबा जिले के भरमौर इलाके से जोड़ता है? रोहतांग, कुंजम, कुगती या फिर बारा लाचला? विच दर्रा
विच दर्रा कनेक्ट्स द लाहौल एरिया विद द भरमौर एरिया ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? एंड कुगती दर्रा है वो, कुगती दर्रा कनेक्ट करता है लाहौल भरमौर। आगे बढ़ते हैं, किस मंदिर का कारदार ठाकुर और पुजारी लामा होता है? ऑप्शन ए त्रिलोकीनाथ, ऑप्शन बी सिकारी देवी, ऑप्शन सी नैना देवी, या फिर ऑप्शन डी हडिम्बा देवी। तो कौन सा टेम्पल है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन त्रिलोकीनाथ। बहुत बढ़िया निधि, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, होली का प्रसिद्ध त्योहार कहाँ पे अनुपम रूप में मनाया जाता है? मंडी में, चंबा में, सोलन में, या फिर सुजानपुर टिहरा में? कहाँ पे मनाया जाता है? क्या बात है, नागिन की स्पीड देखो। इसका सही जवाब हो जाएगा सुजानपुर टीरा में। अलग ही रूप में मनाते हैं होली को। चंद्रताल झील किस जिले में है? ऑप्शन ये रहे ऊना, चंबा, सिरमौर, लाहौल स्पीति, ए बी सी या फिर डी। चंद्रताल झील कहाँ पे है ये आपसे पूछा गया है। क्या आंसर देंगे इसका आप सभी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन हो जाता लाहौल स्पीति, LS। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चंद्रताल। आगे बढ़ते हैं, कहलूरी जो बोली है वो किस जिले में बोली जाती है? मंडी में, हमीरपुर में, किन्नौर में, या फिर बिलासपुर में? क्या होगा इसका सही जवाब? बहुत बढ़िया प्रिया ठाकुर, ग्रेट। कहाँ पे बोली जाती है कहलूरी भाषा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बिलासपुर में। बिलासपुर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर चिनाव? चिनाव नदी का वैदिक नाम क्या है? ऑप्शन ये रहे बिपाशा है, अस्कनी है, सतुद्री है, या फिर चांदनी है। क्या है इसका नाम? बहुत ग्रेट श्वेता पठानिया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी यानी कि अस्किनी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बाबूची, पंडवानी और भटाक्षरी ये किस चीज के उद्घोतक है ना? लिपियों के प्रकार हैं, ये भित्ति चित्र हैं, पेंटिंग्स हैं, या फिर ये ऊनी वस्त्र हैं? व्हाट आर दीस? क्या है ये? सीधा सवाल है आपके लिए, ए बी सी या फिर डी। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे आप सभी? एंड द करेक्ट आंसर इज दीज आर द टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स हैं, यानी कि लिपियां हैं, लिपियों के टाइप्स हैं। 2008 और 9 के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल के किस जिले में दालों के उत्पादन का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है? दालें सबसे ज्यादा रही इस 2008 और 9 की, बहुत पुराना है। कांगड़ा, मंडी, शिमला या फिर चंबा? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन शिमला में, ये देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज स्थित है कहाँ पे? कसुम्पटी शिमला में, मशोबरा शिमला में, ऑब्जर्वेटरी हिल में, या फिर ठियोग शिमला में? वेयर इज दिस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज? सो दिस इज लोकेटेड आपके एट दी ऑब्जर्वेटरी हिल हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष का नाम आपने बताना है। राज्य वृक्ष कौन सा है इनमें से? बरगद है, पीपल है, देवदार है, या फिर चीड़ है? कौन सा है? एंड द करेक्ट आंसर इज देवदार, सिड्रस देवदारा जो है वही है आपका। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल में इष्ट देवता डैस का देवता माना जाता है। एक व्यक्ति का होता है, कुल का होता है, ग्राम का होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जो हमारे इष्ट देवता होते हैं दे आर कंसिडर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? सो इट इज ऑलवेज इंडिविजुअल, पर्सन, व्यक्ति, व्यक्तित्व है ना उसके ऊपर होता है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी दैनिक दिव्य हिमाचल का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया गया? बताओ 1997, 2002, 2005 या फिर 2007? क्या होगा इसका सही जवाब? ग्रेट, इन विच ईयर द हिंदी डेली दिव्या हिमाचल वॉज स्टार्टेड? एंड द आंसर इज 1997 में। आगे बढ़ते हैं, पौंग बांध किस राज्य में है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू व कश्मीर? कहाँ पे देखने को मिलता है आपको पौंग बांध किस राज्य में है? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? इवन आपको तो डिस्ट्रिक्ट भी बताना चाहिए। और इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला, पौंग बांध, ब्यास नदी। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के फ्रंटियर गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? बाबा कांशीराम, भज्जूराम, बलखूराम, इनमें से कोई भी नहीं? क्या होगा इसका सही जवाब? एंड द करेक्ट आंसर इज आपके भज्जू राम होंगे वो।
हिमाचल प्रदेश के फ्रंटियर गांधी के रूप में। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज इज गुरु शिखर, धूपगढ़, पंचमढ़ी या फिर महेंद्रगिरी। किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? ये सारी की सारी आपको क्लियर होनी चाहिए आपके ब्रेन में। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, पीडीएफ सारे के सारे दे दिए गए हैं, ठीक है, उनको पढ़ लेना। एचआरटीसी स्टूडेंट्स जो मिसलेनियस क्लास के हैं, जीके ऑफ वर्ल्ड इंडिया, एटलीस्ट वहां से आप कर लेंगे। बाकी लास्ट में आपको थोड़ा बहुत तरीका बताएंगे, आपको हल्का सा उसको सुन लेना। डोंट इग्नोर द मैसेज सर, मैंने क्या किया इस लड़के ने? मैंने एचपीएससी दोबारा भरा था, एचपी पीएससी डी भरा नहीं भरा भरा। ओ भाई, मेरा एडमिट कार्ड आया हो कि नहीं सर, मैंने पूरी तैयारी की है, प्लीज सर बता दो। इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, यू हैव टू चेक दिस बाय योर सेल्फ। आगे बढ़ते हैं, तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है धूपगढ़। धूपगढ़ हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है, दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है, यानी कि भारत के किस राज्य में है दामोदर घाटी परियोजना? केवल झारखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ए बी सी या फिर डी, बताइए सर। नेगेटिव मार्किंग भी है, यस कर दी थी, फाइनल कंफर्मेशन आ गई थी वहां से, यस है, हल्का सा है, 1/4 कटेगा आपका, ठीक है, आएंगे उस पे, लास्ट में आएंगे, बता देंगे आपको क्या प्रोसेस होता है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, शिमला में कौन सा मौसम दीर्घ राका मौसम कहलाता है, पावस, बसंत, ग्रीष्म या फिर सर्द? कौन सा शिमला में कौन सा मौसम जो है दीर्घ राका के नाम से जाना जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज आपका क्या हो जाएगा, सर्द मौसम है। आगे बढ़ते हैं, कुफरी और नारकंडा किन दो चीजों के लिए प्रसिद्ध हैं? ये जो दो लोकेशन है, कुफरी भी और आपका नारकंडा, घुड़दौड़ चलती है वहां, पोलो खेलते हैं लोग, फुटबॉल मैच खेलते हैं, या फिर सर्द कालीन खेल होता है। तो प्यारे बच्चों, दीज आर फेमस फॉर द सर्द कालीन खेल, यानी कि ऑटम गेम्स। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल का इकलौता बांस उद्योग कहाँ पे स्थित है, ऊना में, कांगड़ा में, सरका घाट में या फिर हमीरपुर में? ये सवाल हमने कई बार किया हुआ है। इकलौता एंड ओनली बैम्बू इंडस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश लोकेटेड इन कांगड़ा इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, शिमला अतीत और वर्तमान के लेखक कौन है इनमें से? शिमला इज मतलब हु इज द ऑथर ऑफ शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट? जॉन सी ओमान है, नॉर्थ कुक है, वॉल्सी प्रिंसप है, एडवर्ड जे बक है? सारे ऑथर्स पढ़ के जाओ, एक सवाल ये होगा ही होगा। इसका सही जवाब होगा एडवर्ड जे बक, यही थे वो। आगे बढ़ते हैं, रोंगटोंग परियोजना किस जिले में है, बताइए, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा या फिर सिरमौर? रोंगटोंग परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलती है? एंड द करेक्ट आंसर इज आपका लाहौल हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस तारीख को हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स हिमाचल प्रदेश बिकेम अ फुल फ्लैश स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन? कब जैसे बना, 31 दिसंबर 1970, 29 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1971 या फिर 26 जनवरी 1971 को? तो ये जो देखने को मिला प्यारे बच्चों, सभी को पता है कि 25 जनवरी 1971 को फाइनली हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। भेंट और बिहागड़ा ये जो लोकगीत हैं, ये किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ये कौन से हैं, ये धार्मिक गीत हैं, चरवाहा गीत हैं, विवाह के गीत हैं या फिर दग्ध वाला गीत है? कौन से किस श्रेणी में आएंगे? भेंट और बिहागड़ा जो हैं, दे आर कॉल्ड रिलीजियस सॉन्ग्स हैं, धार्मिक गीत हैं। नेक्स्ट सवाल, ऊना और हमीरपुर जिले की पहाड़ियाँ कौन सी? ऊना और हमीरपुर जिले की पहाड़ियों को किस नाम से भी जाना जाता है? मुड़वा की पहाड़ियाँ, शिवाली की पहाड़ियाँ, ध्यान दें, अंदरूनी हिमालय या फिर अरावली की पहाड़ियाँ? सो अनडाउटेडली योर आंसर इज करेक्ट, जितना मैं देख पा रहा हूँ सभी का आंसर सही है।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि सर शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक पहाड़ियां सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? शिमला है, हमीरपुर है, कुल्लू है या फिर चंबा है? व्हिच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश बाय नाउ? बताइए कौन है इनमें से, एंड द आंसर इज शिमला हो जाएगा। शिमला सबसे बड़ा शहर है, राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, स्थलाकृति के संदर्भ में ये बताइए कि यह अभिमत किसका था कि हिमाचल प्रदेश का भविष्य बागवानी पे निर्भर करता है? ऑप्शन पदम देव थे, लाल चंद्र पारथी थे, डॉक्टर वाई एस परमार थे या फिर बाबा कांशीराम थे? ये विचार किसका था? कई बार ये सवाल किया हुआ है, आंसर हो जाएगा डॉक्टर वाई एस परमार। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन आर्य नरेश दिवोदास और शांबर के मध्य कितने वर्ष तक युद्ध हुआ? 45 वर्षों तक, 40 वर्षों तक, 43 वर्षों तक या फिर 44 वर्षों तक? तो लगभग लगभग 40 वर्षों तक ये हुआ किरात राजा सांबर तथा आर्य राजा दिवोदास के बीच में, और जिसमें किरात की फाइनली हार हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, मोहम्मद गजनबी के द्वारा कांगड़ा का किला सन डैश में हथियाया गया या फिर लूटा गया? तो उस ईयर का नाम बताइए, 1005, 1007, 1008 या फिर 1009 ईस्वी में? फाइनली मोहम्मद गजनबी ने कांगड़ा का नागरकोट किला लूटा है ना, तो कहाँ, कब? 1009 ईस्वी में। ये आप सभी ने सही जवाब दे दिया। नेक्स्ट है, किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद की थी? वो व्यक्ति कौन थे इनमें से, किस रियासत के थे? नालागढ़, नूरपुर, चंबा या फिर गुलेर? तो वो थे प्यारे बच्चों नूरपुर रियासत के, जिन्होंने हेल्प की थी जहांगीर की। नेक्स्ट सवाल है, किस एकमात्र पहाड़ी शासक ने 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार को सैन्य व वित्तीय सहायता नहीं दी? वो कौन थे, कहलूर का शासक, बुशहर का शासक, सिरमौर का शासक, मंडी का शासक? इकलौते थे ये जिन्होंने कह सकते हैं देशभक्ति दिखाई, तो वो कौन थे? ये थे प्यारे बच्चों रामपुर बुशहर, बुशहर के ये शासक थे। आगे बढ़ते हैं, धामी त्रासदी के आंदोलनकर्ताओं का नेता कौन था? दुर्गाचंद था, शिवानंद रामौल था, वाई एस परमार था या फिर भागमल सोठा था? हु वॉज द लीडर ऑफ द एजिटेटर्स ऑफ धामी ट्रेजिडी? धामी के कौन थे? इसका सही जवाब हो जाता भागमल सोठा थे, उनका जो नेतृत्व कर रहे थे। भाई दो नपाई दो ये जो आंदोलन चला, ये किस आंदोलन का विस्तार था? स्वदेशी, असहयोग, भारत छोड़ो या फिर सिविल डिसओबीडियंस या फिर सविनय अवज्ञा जिसको हम बोलते हैं? भाई दो नपाई दो, यानी कि अंग्रेजों को, क्योंकि उन्हें जरूरत थी आर्मी की और साथ में उन्हें जरूरत थी पैसे की, धन की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, दिस इज रिलेटेड टू द सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कांगड़ा के ब्राह्मण समुदाय में प्रचलित सरा देना प्रथा का क्या अभिप्राय है? ये सवाल है, इसका क्या मतलब है वहां पे? विद्यारंभ, ऑप्शन ए वी हलवाहा की बेटी का नगर कोटिया परिवार में ब्याह, ऑप्शन सी नगर कोटिया ब्राह्मण समुदाय की पंचायत की बैठक या फिर होली के अवसर पे आयोजित महाभोज? और इसका सही जवाब हो जाएगा हलबाहा की जो बेटी है उसका नगरकोट परिवार में ब्याह करवाना। बाड़ा शिगड़ी क्या है? क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डू यू मीन बाय बाड़ा शिगड़ी? एक पक्षी है, पहाड़ी चोटी है, नदी है या फिर हिमनद है? इनमें से क्या है? एंड इसका सही जवाब हो जाएगा इट इज हिमनद, आया भी था सवाल, अभी तो आया था। नेक्स्ट है, पिन घाटी कहाँ पे सिचुएटेड है? बताइए पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? स्पीति में है, केलोंग में है, आपके किन्नौर में है या फिर आपके शिलाई में है? ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्पीति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुंजुम दर्रा इज लोकेटेड कहाँ पे है? कुंजुम दर्रा बताइए, लाहौल स्पीति में, कुल्लू घाटी में, कांगड़ा घाटी में या फिर पांगी घाटी में? तो ये चीज कहाँ देखने को मिलती है? कुंजुम दर्रा। एंड करेक्ट आंसर इज अगेन आपका लाहौल स्पीति में है ये। नेक्स्ट है, मनु का प्राचीनतम मंदिर कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ये रहे मनाली, मंडी, रिवालसर, रेणुका जी। टेम्पल्स इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के, तो कहाँ पे है मनु का प्राचीनतम मंदिर? आंसर हो जाएगा आपका मनाली में है, मनाली हो जाएगा सही जवाब। आगे
फुलैच किस जिले में मनाया जाता है? ये सवाल है। फुलैच का जो त्योहार है वो कौन लोग मनाते हैं, किन्नौर वाले, चंबा वाले, शिमला वाले या फिर सिरमौर वाले, कौन मनाते हैं इसको? एंड द करेक्ट आंसर इज किन्नौर, किन्नौर जिले के लोग मनाते हैं। नेक्स्ट है, जहां दक्षिणी भारत में कावेरी एक प्रमुख नदी है, वहीं हिमाचल प्रदेश में यह एक डैश डैश है। यह एक जलप्रपात है, एक झील है, एक पक्षी अभयारण्य है या फिर एक पर्वत शिखर है? कावेरी एक नदी तो है भारत में, लेकिन हिमाचल प्रदेश में यही एक झील है, लेक है, यानी जो आप करेरी लेक बोलते हैं उसी को कावेरी भी बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज टांकरी? टांकरी क्या है? बुनाई का तरीका है, विवाह की एक रीत है, एक सिक्का है या एक प्रकार की लिपि है, भाषा है, क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय टांकरी? टांकरी क्या है? बी पे ताला लगा दिया जाए, विवाह रीति पे। इसका सही जवाब हो जाएगा एक प्रकार की लिपि, यानी कि अ टाइप ऑफ स्क्रिप्ट। नेक्स्ट सवाल, गुज्जर किसके वंशज माने जाते हैं? गुज्जर आर कंसिडर टू बी द डिसेंडेंट ऑफ आर्या, हूणों के, मुगलों के, गुग्गा पीर के, किसके माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू यू? एंड इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन हूणों के माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कांगड़ा चित्रकला शैली मूलतः कहाँ से उदित हुई, है ना? और चित्रकला पे बहुत सवाल बनते हैं, बताइए, बसौली से, सुजानपुर से, नूरपुर से या गुलेर से? इवन सबसे पहली भी वही मानी जाती है, क्या आंसर होगा इसका? कांगड़ा जो चित्रकला शैली आई कहाँ से आई, तो ये आई आपके गुलेर से, गुलेर रियासत, है ना, आपने पढ़ा भी है। फिर नेक्स्ट है, मार्सेला एस्कुलेंटा को आमतौर पे क्या कहा जाता है? गुच्छी, मशरूम, छाछी, शामो, ए बी सी या फिर डी? मार्सेला एस्कुलेंटा इट इज कॉल्ड गुच्छी, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फंगस पढ़े हैं आपने, फंजाई, राइट? हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? शिमला में, पालमपुर में, नौणी में या फिर नाहन में, ए बी सी या फिर डी? हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है? नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड, तो ये है आपके पालमपुर में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, छुमूर्ति लाहौल स्पीति में पाए जाने वाली एक नस्ल है, याक की, घोड़े की, गाय की या हिरण की? छुमूर्ति एक ब्रीड है, ठीक है, किसकी है, यही सवाल है, क्या आंसर होगा इसका? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि घोड़े की है ये, घोड़े की। आगे बढ़ते हैं, मल्लाना गांव के जामलू देवता को क्या अर्पण किया जाता है? इनमें से कच्चा नारियल, सफेद ऊनी शॉल, चांदी से बनी घोड़े की मूर्ति या फिर सोने का छत्र? मल्लाना गांव के जामलू देवता को अर्पण किया जाता है इनमें से चांदी से बनी घोड़े की मूर्तियां, बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल, गग्गल किस लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज गग्गल फेमस फॉर? औद्योगिक क्षेत्र के लिए, प्राचीन मंदिर के लिए, हवाई अड्डे के लिए या फिर रेलवे स्टेशन के लिए? सो गग्गल इज वेरी वेरी फेमस फॉर, ऑप्शन एयरपोर्ट के लिए जाना जाता है, हवाई अड्डा है वहां पे, उस चीज के लिए जाता है। मणिकरण के गर्म जल स्रोत डैश के किनारे पे स्थित है, कौन सी नदी है वहां पे? द हॉट स्प्रिंग ऑफ मणिकरण इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ पब्बर, पार्वती, ऊहल और बसपा, इनमें से किस नदी के किनारे हमें ये देखने को मिलते हैं, यही सवाल है। एंड द करेक्ट आंसर इज पार्वती नदी, हो जाता सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड यदि खजियार है तो हिमाचल प्रदेश का मिनी काशी क्या है? कुल्लू को बोलते हैं, रामपुर को, पालमपुर को या फिर मंडी को, किसको बोलते हैं, यही सवाल है, तो क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, आशीष, योगेश, प्रिया, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन मंडी, मंडी को ही बोलते हैं छोटी काशी। हिमाचल प्रदेश को एग्रो क्लाइमेटिक जोन और फिजियोग्राफिक आधार पर कितने इकोलॉजिकल जोन में बांटा जा सकता है? 7, 5, 8 या फिर 4? लगभग लगभग कितने ऑप्शन हो जाएगा? 7। नेक्स्ट सवाल है, 1964 में टोक्यो में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? दर्शन सिंह थे, पृथ्वीपाल सिंह थे, चरणजीत सिंह थे या फिर गुरबख्श सिंह थे? अवार्ड्स जितने भी मिले हैं उसको भी अच्छे से पढ़ ही लेना, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर में
एक टॉपिक होता है अवार्ड्स, वहां से पूछ लेते हैं। तो ये हो जाएगा चरणजीत सिंह थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, एसीसी फैक्ट्री कहाँ पे है इनमें से, राजबन, दारलाघाट, बरमाना या फिर रामपुर। एसीसी फैक्ट्री कहाँ पे है, ये सवाल है। आंसर हो जाएगा बिलासपुर जिले का जो बरमाना है वहां पे एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित पुस्तकों में से कालिदास ने किन्नरों का वर्णन किस में किया, कुमार संभव में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, मेघदूत में या फिर रघुवंशम में। ये सवाल है जो पूछा गया सवाल है, बताओ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो कालिदास ने किन्नरों का जो वर्णन किया है प्यारे बच्चों, वो किया है ऑप्शन ए, यानी कि कुमार संभव हो जाएगा। चमेरा परियोजना किस जिले में है, चंबा में, किन्नौर में, ऊना में या फिर कांगड़ा में। ए बी सी या डी, चमेरा जो परियोजना है वो किस पे है। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि चंबा हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, बड्डू साहिब गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे स्थित है। वेर इज बड्डू साहिब गुरुद्वारा, ऊना, शिमला, सोलन या फिर सिरमौर। कहाँ पे देखने को मिलता है आपको ये गुरुद्वारा? तो आंसर हो जाएगा पांवटा साहिब, है ना, यानी कि सिरमौर। आगे बढ़ते हैं, कमला रानी और रोशनी देवी ने किस क्षेत्र में नाम कमाया। ऑप्शन कशीदाकारी में, भित्ति चित्रांकन में, लोकगीत में, गलीचा बुनाई में। इन्होंने अपना जो नाम कमाया वो कमाया ऑप्शन सी, यानी कि फोक सॉन्ग में, लोकगीत में। नेक्स्ट सवाल, मंडी जिले में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये भी पूछते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ दिस, तो देहाई में है, नागरू में है, चौहार में है, सोनार में है। कहाँ पे है इसकी हाईएस्ट पीक ऑफ मंडी जिले की धौलाधार पर्वत श्रृंखला? आंसर हो जाएगा नागरू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे इनमें से, हु वाज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ये रहे आपके स्क्रीन पे, न्यायमूर्ति जी एस पांडे, न्यायमूर्ति केदारनाथ सिंह, न्यायमूर्ति टी वी आर टाटाचारी, न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया। किस ऑप्शन के साथ आप जाना चाहेंगे यहाँ पे? इसका सही जवाब हो जाएगा टाटाचारी, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अमृता शेरगिल कौन थी, एक अभिनेत्री थी, एक कवित्री थी, एक नृत्यांगना थी, एक चित्रकार थी। हु वॉज शी, कौन थी वो? तो अमृता जो शेरगिल थी वो एक चित्रकार थी। आगे बढ़ते हैं, देवदास और सांबर के मध्य जो 40 वर्षों तक युद्ध हुआ, क्योंकि ये सवाल आया था, उसमें किसकी हार हुई, शक की, खस की, किरात की या फिर किन्नरों की। किसकी हार हुई है जो ये युद्ध हुआ, जो इतना बड़ा युद्ध चला 40 वर्षों तक, उसमें हार किसकी हुई है? ग्रेट, इसका सही जवाब हो जाएगा किरातों की हार हुई। आगे बढ़ते हैं, 1009 ईस्वी में निम्न में से किसने नागरकोट कांगड़े को लूटा था, इनमें से कौन थे वो, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी, नादिर शाह या फिर अहमद शाह अब्दाली। 1009 में नागरकोट कांगड़े को किसने लूटा, अब जस्ट उल्टा कर दिया इन्होंने। इसका सही जवाब हो जाएगा आपके महमूद गजनबी ने ही लूटा 1009 में नागरकोट कांगड़ा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 65, दारा शिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना, कांगड़ा, सिरमौर, नूरपुर या फिर गुलेर। कौन थी वो, कौन सी रियासत थी वो, यही सवाल है आपसे जो पूछा गया है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, तारा शिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना, और ये रियासत थी नूरपुर रियासत। ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 66, 1857 ईस्वी की महान क्रांति के दौरान रामपुर बुशहर राज्य के शासक कौन था, जिसने ब्रिटिशरों के विरुद्ध क्रांति में हिस्सा लिया, उनके विरुद्ध लड़े वो कौन थे उस वक्त के, पावरफुल लीडर कौन था वहां का, यही सवाल है। कौन थे, राजा मोहिंदर पाल थे, राजा उगेर सिंह थे, शमशेर सिंह थे या फिर राजा राम सिंह थे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शमशेर सिंह। सो ऑप्शन राजा कौन थे, शमशेर सिंह थे। आगे बढ़ते हैं, धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ,
प्रदेश का ऐसा कांड जो काफी चर्चा में रहा, काफी अद्भुत बोल सकते हैं आप, है ना। तो 1937, 1939, 1947 या फिर 49, तो इन विच ईयर धामी फायरिंग टुक प्लेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1939 में, 1939 में हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़े, 1914 और 15 में हुआ मंडी षड्यंत्र मुख्यतः किससे प्रभावित था? ऑप्शन ये रहे, पझौता आंदोलन से, भटियात आंदोलन से, भाई दो नपाई दो आंदोलन से, या फिर गदर पार्टी, ए बी सी या फिर डी। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, इसका नेतृत्व किया जवाहर सिंह ने, यानी गदर पार्टी में, गदर पार्टी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भोजकी अभियान से कौन जाने जाते हैं? भोजकी अभियान, हु इज नोन फ्रॉम भोजकी अभियान। ऑप्शन ये रहे, कटोच राजवंश के पारिवारिक पुजारी, ज्वाला जी और नैना देवी मंदिरों के पुजारी, विवाह समारोह के कविता पाठी, ठाकुरों से भूमि प्राप्त ब्राह्मण। क्या लग रहा है इसका सही जवाब? बी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भोजकी अभियान से ज्वाला जी और नैना देवी मंदिरों के पुजारी जाने जाते थे। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? व्हिच इज द ओरिजिन ऑफ द रिवर चिनाब? चंबा घाटी से, धौलाधार से, रोहतांग दर्रे से, या फिर बारालाचला दर्रे से ये निकलती है? तो कहाँ से ये निकलती है, यही सवाल है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बारालाचा दर्रा हो जाएगा। बड़ा बंगाल ग्लेशियर जो है वहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है, ये सवाल है। सतलुज का, राबी का, चिनाव का, या फिर यमुना का? ए बी सी या फिर डी, बताइए। बड़ा बंगाल ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? सतलुज, रावी, चिनाव एंड यमुना, दीज आर द फोर ऑप्शन वी हैव गॉट। एंड इसका सही जवाब हो जाएगा राबी नदी, और उसका वैदिक नाम, पुरुषणी, संस्कृत नाम, ये सारे पढ़ लीजिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी का नाम क्या है? मोरंग, रिब्बा, कानम या फिर सांगला? द ब्यूटिफुल, द मोस्ट ब्यूटिफुल वैली ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इज कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा सांगला, सांगला ही है। किन्नौर जिले में बासपा घाटी में स्थित एक सुंदर सी जगह है। निम्न में से कौन सा दर्रा चंबा जिले में लोकेटेड नहीं है, बताइए। सांच दर्रा, धर्राटी दर्रा, कुंजुम दर्रा या फिर चोबिया दर्रा? इनमें से एक दर्रा जो है वो चंबा में नहीं है, जो कि ऑलरेडी पूछा हुआ है इसी सेशन में। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कुंजुम दर्रा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनवाया था? ये सारे पढ़ के जाना, चाहे छतराड़ी मंदिर हो चाहे ये हो, बताइए। मेरु वर्मन, साहिल वर्मन, लक्ष्मी वर्मन या फिर ललित वर्मन, बताइए। कौन से राजा रहे चंबा के जिन्होंने ये बनाया? उनका नाम था साहिल वर्मन, ऑप्शन साहिल वर्मन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है? इनमें से डूंगरी महोत्सव मनाया जाता है, अश्विन का मेला, नलवाड़ी का मेला या फिर मणिमहेश का मेला, बताओ बिलासपुर वालों। क्या होगा इसका सही जवाब? निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नलवाड़ी मेला। आगे बढ़ते हैं, नाको झील किस जिले में है? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? नाको झील कहाँ पे है, चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा या फिर किन्नौर? बहुत बढ़िया, अवनी, नरेंद्र, ग्रेट, अभिषेक, केडी ठाकुर, प्रियंका जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सुनिधि चौहान, अंकिता राजपूत, यशपाल, सुरेश, आदित्य। एंड द करेक्ट आंसर सर किन्नौर में है, नाको झील। आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी है, नेपाली है, संथाली है, बोडो है? व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हिमाचल प्रदेश? सो आंसर हो जाएगा हिंदी। नेक्स्ट सवाल है, हिमाचल में निम्न में से कौन सी जनजाति नहीं है, यहाँ की ट्राइब में नहीं आती है वो, और वो कौन सी है? ऑप्शन ये रहे, लंबास, स्वांगला, मीना, जाट। कौन सी नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीना। निम्न में से किससे वर्ष 2011 के लिए कालीदास सम्मान पहाड़ी शैली की लघु चित्रकला के लिए दिया गया? इनमें से कौन थी वो? शोभा सिंह, चंदूलाल रैना, विजय शर्मा, राम सिंह। 2011 में कालीदास सम्मान पहाड़ी शैली की लघु चित्रकला के लिए इन्हें सम्मानित किया गया, और ये थे विजय शर्मा। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश का अदरक उत्पादन में देश का डैश सबसे बड़ा उत्पादक है?
रैंकिंग वाइज हमारा रैंक क्या है, ऐसे सवाल बड़े रेयर होते हैं जो पूछे जाएं। अगर रैंकिंग काफ़ी डीप हो, मतलब क्लोज हो 1 2 3, तब तो ठीक है। इसका खैर आंसर था ऑप्शन 15, है ना, और लेटेस्ट आंकड़े आपने चेक करने हैं, उस वक्त केरल था, अभी एमपी है। आगे बढ़ते हैं, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? मशोबरा, फेयरलॉन्स, जोगिंदर नगर और कांगड़ा, कहाँ पे हैं? और यही आपको भेजा जाएगा जब आप पटवारी ना सिलेक्टेड हो जाएंगे। बताओ फिर कहाँ पे है ये, और पटवारी का बैच चला हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, फुल 90 दिनों के अंदर आपको वैकेंसी आती हुई मिल जाएगी। तो ये है आपके प्यारा सा शहर है एक जोगिंदर नगर। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम बताइए क्या है? मोर है, जजुराना है, मुनाल है या फिर तोता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नेम द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश, सो दिस इज वेस्टर्न ट्रैगोपन, राइट, जजुराना। आगे, हिमाचल में भक्ति पंथ को आगे बढ़ाने का अग्रदूत कौन रहा है? इनमें से कौन रहा है यही बताइए। राजा साहिल वर्मन, राजा मारू वर्मन, राजा प्रताप वर्मन या फिर राजा बलभद्र वर्मन? ए बी सी या फिर डी? हु हैज बीन द हार्बिंगर ऑफ एडवांसिंग भक्ति कल्ट इन हिमाचल प्रदेश? सो ये थे प्यारे बच्चों राजा साहिल बर्मन थे ये। नेक्स्ट सवाल, कालका से शिमला रेलवे लाइन का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1904, 5, 6 या फिर 1903? कालका से शिमला की शुरुआत जो हुई वो कब हुई, यही सवाल है। क्या होगा इसका सही जवाब? 1903, 1903। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पे गर्म पानी के चश्मे स्थित नहीं है? तत्ता पानी में, कासोल में, वशिष्ठ में या फिर लाल पानी में? कसोल में, बताइए फिर। तत्ता पानी होगा कि क्या हो? तत्ता पानी होगा, नॉट भी लगा है, नहीं है, नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल पानी। बाकी सभी जगह गर्म पानी के चश्मे हैं, यहाँ पे नहीं है प्यारे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज पहाड़ी गांधी? पहाड़ी गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। बाबा कांशीराम है, कौन है, यही सवाल है। ऑप्शन बी ठाकुर दलीप सिंह है, शिवानंद रामौल है या फिर भागमल सोठा जी हैं, कौन है वो? एंड द करेक्ट आंसर इज आपके पहाड़ी गांधी, बाबा कांशीराम, यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पर्यटन मानचित्र पे हिमाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? देवभूमि, पुण्यभूमि, तपोभूमि या फिर आर्षभूमि? वाई वट नेम इज हिमाचल प्रदेश नोन ऑन द टूरिस्ट मैप? सो दिस इज कॉल्ड देवों के देव, हर हर महादेव, देवभूमि, राइट। बहुत सारे नाम है वैसे तो, उनमें से एक नाम ये है, देवी देवताओं का गढ़ माना जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के विजय कुमार को ओलंपिक खेलों में शूटिंग प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक प्राप्त हुआ? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या फिर संयुक्त रूप से कांस्य? ए बी सी या फिर डी? सो विच मेडल डिड विजय कुमार ऑफ हिमाचल प्रदेश गेट इन द शूटिंग कॉम्पिटिशन इन द ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक गेम्स सारे के सारे पढ़ के जाना, टोक्यो से, रियो से, सारे, है ना, फर्स्ट फीमेल फर्स्ट, वो सारा पूछ सकते हैं, एक नंबर के लिए हार्डली अगर पूछेंगे तो। इनको मिला था रजत पदक। आगे बढ़ते हैं, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सिरमौर जिला में स्थापित सीमेंट फैक्ट्री का नाम बताइए, क्या नाम है उसका? बाता नाम है, कालाअंब नाम है, धौला कुआं है या फिर राजबन? कहाँ जैसे इन्होंने ये किया, क्या चीज? सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सिरमौर जिले में स्थापित सीमेंट फैक्ट्री एंड द नेम इज राजबन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट? ए के रंधावा, ए के कौशल, पी सी धूमल, मनमोहन सिंह, क्या होगा इसका सही जवाब? ग्रेट प्रतिभा शर्मा, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन मनमोहन सिंह हो जाएगा। आगे बढ़े, थिरोट परियोजना किस जिले में है बताइए? सिरमौर, लाहौल स्पीति, किन्नौर या फिर चंबा? वेयर इज थिरोट प्रोजेक्ट इज, वेयर इज इट? ओके, बिल चेक, इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौल स्पीति में है। आगे बढ़ते हैं,
बौद्ध स्तूपों के अवशेष कहाँ मिले हैं? वेयर आर द रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा फाउंड? कुल्लू, चैतडू, गरोह में या फिर सारनाथ में? ए बी सी या फिर डू डी सॉरी, अगर हिमाचल का पूछेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन बी चैतडू, बट ओवरऑल शायद इंडिया का दिया इन्होंने सारनाथ, इसलिए लिखा जैसे दिए ना वैशाली, कुशीनगर, पिपरहवा, रामग्राम, सांची, सारनाथ, अमरावती वगैरह वगैरह में मिले हैं, ठीक है? लेकिन एचपी के लिए आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल में किस जिले में राज्य का पहला संगीत स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन के नाम से 1986 में स्थापित हुआ? मंडी, कांगड़ा, शिमला या फिर हमीरपुर? क्या होगा इसका सही जवाब? तो हिमाचल प्रदेश का राज्य का पहला ये संगीत स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन के नाम से 1986 में प्रसिद्ध हुआ, स्थापित हुआ कह लो चाहे, और नाम था मंडी। नेक्स्ट सवाल, गयास पर्वत शिखर किस जगह अवस्थित है? वेयर इज गयास पर्वत शिखर? पांगी घाटी में है, किन्नौर घाटी में है, स्पीति घाटी में है या फिर कुल्लू घाटी में? कहाँ पे आपको देखने को मिलता है गयास पर्वत शिखर? एंड द करेक्ट आंसर इज पांगी घाटी। नेक्स्ट सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? 4, 17, 24 या फिर 10? एरिया वाइज आपने बताना है, और पॉपुलेशन वाइज आपने सुना ही होगा 21 है ना, और 18, ये फैक्चुअली चीजें रहती थी बट चेंज हुई जब जम्मू कश्मीर हट गया राज्य से। इसका सही जवाब इसीलिए यहाँ पे दिया है 17। आगे बढ़ते हैं, महान क्रांतिकारी जो थे यशपाल, उनका किस जिले से संबंध वो रखते थे? हमीरपुर, मंडी, कुल्लू या फिर बिलासपुर? टू विच डिस्ट्रिक्ट डज द ग्रेट रेवोल्यूशनरी मिस्टर यशपाल बेलोंग? कहाँ से आते थे ये? तो ये व्यक्ति आते थे आपके ऑप्शन हमीरपुर हो जाएगा इसका सही जवाब। आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था? ये सवाल है हमारे पास। ऋषि भारद्वाज थे, पाणिनि थे, कपिल मुनि थे या फिर मेगास्थनीज थे? हु वॉज द चीफ एडवाइजर ऑफ द आर्य किंग दिवोदास? भारद्वाज, ऋषि भारद्वाज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऋषि भारद्वाज ही थे। नेक्स्ट सवाल, नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? सो विच रूलर ऑफ नूरपुर वॉज अ कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ सिकंदर लोदी? ऑप्शन ए रहे तखत पाल, भील पाल, वासदेव नागपाल। बताइए, यहाँ पे भी पाल ही आएगा, ए बी सी या फिर डी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भील पाल। आगे बढ़ते हैं, मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान दिया था? टोडरमल को, बीरबल को, भगवान दास को या फिर मान सिंह को? इनमें से किस व्यक्ति को दिया था उन्होंने? मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा जो दे दिया वो दिया बीरबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, शिमला में जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो उसका संचालन किसने किया था? द क्विट इंडिया मूवमेंट इन शिमला सोमनाथ ने किया, चौधरी शमशेर सिंह ने किया, राजकुमारी अमृत कौर ने किया या फिर बाबा कांशी राम ने किया? किन व्यक्ति ने किया ये सवाल है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपकी राजकुमारी अमृत कौर ने किया। अमृत कौर काफी फेमस हैं। ये थे 100 सवाल एचपी जीके के, अभी हमने पढ़ने हैं इसके अलावा 50 सवाल और उनको भी देख लीजिए, हल्का सा जीके के सवाल हैं और वो भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और उसके बाद आप सभी को छुट्टी है मेरी साइड से। तो ये रहा पहला सवाल, अशोक ने धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें क्या कहते थे? धम्म महामता, धम्म धीराज, धम्म अधिकारी, धम्म अध्यक्ष? ए बी सी या फिर डी? बताइए जरा, अशोक ने धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या बोलते थे उनको? आपके धम्म महामता है ना, धम्म महामता इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बैंक दर निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है?
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। कभी कौन करता है इसको, सभी को पता है सर, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर थ्री, रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1991, 93, 92 या फिर 1990, कब किया गया था? आंसर हो जाएगा 1992। नेक्स्ट, पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से जुड़े हैं? कव्वाली, ठुमरी, कर्नाटक या फिर हिंदुस्तानी। पूछ लेते हैं कि इनका संबंध किससे है ना, इनका संबंध था हिंदुस्तानी क्लासिकल डांस। नेक्स्ट है, मसल क्रैम्प इज कॉज्ड बाय डैश डैश डैश, पसीने के दौरान पानी की कमी होती है, एरोबिक रूप में सांस लेने वाली मांसपेशियों को थका देना, रक्त संचार बढ़ना या फिर अकमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड का इकट्ठा होना, गैदर होना। क्या होगा इसका सही जवाब? मसल क्रैम्प आते हैं क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है वो बनता है आपके बॉडी में। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? डोगरी, बोडो, फारसी या फिर संथाल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन जो नहीं है। आपको बताए 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में दिया हुआ है, अंग्रेजी उसमें नहीं है। और ये है आपकी पर्शियन यानी कि फारसी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? अपील, ओरिजिनल, एडवाइजरी और फाइनेंस। सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं आता है इनमें से, तो ये है प्यारे बच्चों फाइनेंस। फाइनेंस नहीं आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़े, द जल की अंतःस्राव दर डैश मिट्टी में सबसे कम होती है। द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज द लीस्ट इन विच सॉइल, क्ले, सैंडी, ग्रेवल या फिर लोमी। किस सॉइल में सबसे कम देखने को मिलती है? तो ये है चिकनी मिट्टी, क्ले। नेक्स्ट है, जनपथ अवार्ड इज गिवन फॉर द एक्सीलेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। आज ही पढ़ा है वैसे तो आप सभी ने, जो मिसलेनियस क्लास के बच्चे हैं, आज ही पढ़ा है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? मेडिसिन, सोशल वर्क, लिटरेचर या फिर सिनेमा। किस में दिया जाता है ये जनपथ अवार्ड? तो ये दिया जाता है लिटरेचर में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा देश बेसिक समूह का सदस्य नहीं है? साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राजील या फिर केन्या। क्या होगा इसका सही जवाब? बेसिक ग्रुप का जो हिस्सा नहीं है, द आंसर इज केन्या, नहीं आता है इसमें। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने, 2002 ने संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शामिल किया? 21A, 39A, 20A, 56 का सी। कौन सा ऐड किया गया है बताइए जरा। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया जितेंद्र, 21A इसका सही जवाब हो जाएगा, 21A। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की द्रविड़ शैली को दर्शाता है? कोणार्क, बोधगया, अक्षरधाम या फिर हम्पी। भारत के जितने भी टेम्पल्स हैं वो सारे पढ़िए अच्छे से, और उनके कौन सी शैली है, पगोड़ा शैली है, द्रविड़ शैली है, किस शैली में बनाए हैं वो सारा पढ़ना पड़ेगा। इसका सही जवाब भी होगा हम्पी। नेक्स्ट सवाल, डैश वॉज द फाउंडर ऑफ द शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे इनमें से? ऑप्शन ये रहे, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर राजा राम मोहन राय। कौन से व्यक्ति थे जो शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे? ये थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसका उपयोग संकेतक के रूप में नहीं किया जा सकता है? चाइना रोज, फिनोल्फथलीन, कॉमन सॉल्ट, टर्मेरिक। यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज ए इंडिकेटर। यू ऑल नो टर्मेरिक का यूज करते हैं इंडिकेटर, वी यूज इंडिकेटर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, राइट, हमें ये पता चल सके। और इसका सही जवाब क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज कॉमन सॉल्ट, इट डजेंट मेक एनी सेंस, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बनाया गया है? पंबा, महानदी, कृष्णा या फिर कावेरी। मुझे तो फ्लोइंग रिजर द नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट, बताइए। और आंसर हो जाएगा कृष्णा पे बनाया गया है। नेक्स्ट,
जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? द जातक टेल्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट, सेट होगा यहाँ, ठीक है, कौन सी है? लिंगायत है, सेविज्म है, जैनिज्म है या बुद्धिज्म है? कहाँ पे देखने को मिलती है? ये देखने को मिलेगी आपको ऑप्शन डी, तो बुद्धिज्म हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है, मीराबाई चानू ने अनोहम संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप, आर्चरी में, वेट लिफ्टिंग में या फिर टेनिस में? तो सीधा सवाल है कि कौन से खेल से संबंध रखती हैं, तो किससे रखती हैं? द करेक्ट आंसर इज वेट लिफ्टिंग में। मीराबाई चानू किस किसी बैंक खाते या वित्तीय संस्थान में जमा राशि को संदर्भित करता है जिसकी कोई निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि नहीं है? क्या बोलेंगे आप इसको, इकोनॉमिक्स से इंग्लिश में पढ़िए। डैश रेफर टू अ डिपॉजिट इनटू अ बैंक अकाउंटर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद नो स्पेसिफिक मेच्योरिटी डेट, इट इज कॉल्ड करंट डिपॉजिट। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो गोल गुंबज इज लोकेटेड इन डैश डैश डैश, कहाँ पे है ये? कहाँ पे है? कर्नाटक में? तो ऑप्शन में तो है नहीं, लेकिन हैदराबाद में है, दौलताबाद में है, विदार में है या फिर विजयपुर में है? वेयर इज दिस, कहाँ पे है ये? ए बी सी या फिर डी? तो गोल गुंबज है आपके विजयपुर में। नेक्स्ट सवाल, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 डैश एज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे पढ़ा लिखा राज्य 2011 के आंकड़ों के हिसाब से मिजोरम, गोवा, केरला या फिर कर्नाटक? कौन सा है जो काफी पढ़ा लिखा है? ये है आपका ऑप्शन सी, केरला। आगे बढ़ते हैं, विरासत अपनाएं, अपनी धरोहर, अपनी पहचान, ये किसकी पहल थी? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड दिस अडॉप्ट हेरिटेज, अपनी धरोहर, अपनी पहचान? सो दिस वाज द इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, लैंड एंड सी ब्रिज आर कॉज्ड ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ डैश डैश, कन्वेक्शन होगा, एसिमिटाइजेशन होगा, रेडिएशन होगा, कंडक्शन होगा? एक प्रोसेस पढ़ा है आपने, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, सवाल वहीं से है। बी ऑप्शन तो ऐसे भी आउट ऑफ द बॉक्स है। बताइए, स्थल एवं समुद्री हवाएं डैश के कारण उत्पन्न होती हैं, एंड आंसर है कन्वेक्शन, यानी कि संवहन होगी शायद इसकी ट्रांसलेशन हिंदी में, है ना? चेक करना पड़ेगा इसका, कंडक्शन की ट्रांसलेशन क्या होगी फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेट से स्रावित बलगम की क्या भूमिका है, यानी व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस सिक्रेटेड बाय द स्टमक? ये सारे सवाल पढ़े हुए हैं आपने, क्या होगा? टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, टू डाइजेस्ट द फैट, टू किल द जर्म्स इन द फूड, टू डाइजेस्ट द प्रोटीन्स? म्यूकस सभी को पता है बचाता है हमें एचसीएल से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, इसलिए म्यूकस वहां पे रिलीज होता है। डू और डाई वॉज द स्लोगन ऑफ विच फेमस मूवमेंट इन इंडिया? करो और मरो का नारा, या तो करो या तो मरो, भारत के किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर रॉल्ट आंदोलन? बताइए जरा, 24 क्वेश्चन नंबर 24, क्या होगा इसका सही जवाब? यस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 25वां सवाल, कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जगह बनाने वाला पहला शहर है? भुवनेश्वर, इंदौर, बेंगलुरु या फिर अहमदाबाद? सो पहला शहर कौन है जो विश्व धरोहर स्थल में उसकी सूची में जगह बनाई जिसने? और ये था आपका अहमदाबाद, ऑप्शन डी हो जाएगा, इंदौर नहीं होगा। डोडा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? बताइए, डोडो बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस, विंध्या की है, सतपुड़ा की है, अरावली की है या फिर नीलगिरी की है? ये पर्वत चोटी सबसे ऊंची, ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज करेक्ट? NHRC के लिए जो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इनमें से वो कौन सी है, पढ़िए जरा। इट कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स, इट्स पावर्स आर ओनली
मैंडेटरी इन नेचर. मुंबई सर्व्स एज इट्स हेडक्वार्टर, इट्स चेयरमैन मस्ट बी सिटिंग जज इन द सुप्रीम कोर्ट. एंड इसका जो इकलौती स्टेटमेंट सही थी वो थी इट्स पावर्स आर ओनली रेकमेंडेटरी इन नेचर ही होती है. आगे बढ़ते हैं. किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्व्स विच कंट्री, सीरिया, इराक, बहरीन या फिर सऊदी अरेबिया? क्या होगा इसका सही जवाब? तो प्यारे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरेबिया. नेक्स्ट है. किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड एक है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पॉवर्टी रेशियो, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम. सो दिस इज पर कैपिटा इनकम. आगे बढ़े. देशों के बीच तीव्र एकीकरण को ही हम क्या कहते हैं? आसान सा सवाल. इट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. द टर्म डबल फॉल्ट इज यूज इन डैश 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 वॉलीबॉल, टेनिस, स्नूकर, कबड्डी. कुछ एक स्पोर्ट्स में टर्मिनोलॉजी वहां से पूछ लेते हैं ये वर्ड कहाँ कौन से खेल में यूज करते हैं हम सभी. इसका सही जवाब हो जाएगा डबल फॉल्ट इज रिलेटेड टू द टेनिस. नेक्स्ट सवाल. व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है प्रोपेन, ऑक्टेन, मिथेन या फिर ब्यूटेन, वो क्या है? यही सवाल है हमारा. डैश व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी पे आया था सवाल, तो ऑप्शन सी मीथेन हो जाएगा आंसर. जीआई टैग सबसे पहले भारत में किसको दिया गया? मिजो हिल को, रतलामई सेव को, जोआ राइस को या फिर दार्जिलिंग की चाय को? सबसे पहले जीआई टैग बहुत सारे मिल चुके हैं लेकिन फर्स्ट जीआई टैग वॉज गिवन टू द किसको? बहुत बढ़िया, प्रवीण कह रहे हैं दार्जिलिंग की जो चाय है उसको. नेक्स्ट है. बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोधी को कहाँ पे हराया था? यही है वो युद्ध काफी फेमस, हल्दीघाटी का है, कलिंजर का है, चौसा का है या फिर पानीपत का युद्ध है? बहुत बढ़िया राजकुमार केजी ठाकुर, क्या बात है सर, पानीपत का पहला युद्ध है ये. ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब. आगे बढ़ते हैं. कौन से मंदिर अपनी नागर शैली की वास्तुकला और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो, सोमनाथ, हम्पी और मीनाक्षी? बताओ जरा, यहाँ पे मीनाक्षी आई है, नीलाक्षी, बताओ क्या होगा इसका सही जवाब. तो अपनी नागर शैली की वास्तुकला के साथ साथ कामुक मूर्तियों के लिए ये प्रसिद्ध है, सभी को पता है ऑप्शन ए खजुराहो के मंदिर हैं ये. आगे बढ़ते हैं. दक्षिण अफ्रीका के समशीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? ये सवाल कई बार पूछ लेते हैं कि ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका को क्या बोलेंगे बताइए? सवाना बोलते हैं नो डाउट, है ना. नॉर्थ अमेरिका के लिए प्रेरी वर्ड यूज करते हैं, साउथ अमेरिका के लिए पाम्पस वर्ड कहते हैं, डाउन ऑस्ट्रेलिया की है सवाना और बेल्ट इसकी है, बचा एशिया उसकी स्टेपी है. सारे के सारे कवर हो गए हर एक कॉन्टिनेंट के. आगे बढ़ते हैं. आगे सवाल है. प्रतिष्ठित लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार किस भारतीय एथलीट को दिया गया? इनमें से वो कौन से थे? पंकज आडवाणी थे, कौन थे वो प्यारे बच्चों? वो थे आपके विनेश फोगट. ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब. नेक्स्ट सवाल है. उत्परिवर्तन शब्द मुख्य रूप से संदर्भित करता है किसको? जेनेट. अच्छा, द टर्म म्यूटेशन, एक टर्म होती है म्यूटेशन यानी कि चेंज होना, अल्टर होना, तो इसका मतलब हो जाएगा जेनेटिक में मिस्टेक है, गड़बड़ हो चुकी है ना कोड वगैरह में, तो म्यूटेशन देखने को मिलती है. इसका फेमस एग्जाम्पल आपने देखा होगा वो भेड़ का. आगे बढ़ते हैं. निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 जीता? आपको तो लेटेस्ट आंकड़े पता होना चाहिए 22 के, है ना. बेल्जियम, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और पाकिस्तान, ये जो देश था वो था बेल्जियम. नेक्स्ट है. पंचायती राज संस्थाएं किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द 42nd, 43rd, 86, 87, 63 एंड 64 या फिर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत पंचायती राज संस्थाएं आई? यस यस यस. ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा, 73वां और 74वां संविधान का संशोधन अधिनियम. आगे बढ़े. कौन सा IUCN दस्तावेज वनस्पति और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है? ये सारी लिस्ट पढ़नी है आपने, ब्लू लिस्ट, ग्रीन लिस्ट, रेड लिस्ट या फिर ब्लैक लिस्ट. इसका सही जवाब जाता है रेड लिस्ट. आगे बढ़ते हैं. बांग्लादेश में स्थापित एक माइक्रो फाइनेंस संगठन और सामुदायिक विकास बैंक है जो संपार्श्विक
की आवश्यकता के बिना गरीबों को छोटे ऋण देता है, ये कौन सा बैंक है इनमें से? दिस इज योर ग्रामीण बैंक, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टिकाऊ विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? इससे तो आप नहीं समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाय 2013? में से एक नहीं है, बाकी तीन है, और ये है ऑप्शन डी, स्पेस रिसर्च नहीं आता है इसके अंतर्गत। आगे बढ़े हैं, डैश मेजर्स द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। बताओ, आज ही आपको पढ़ाया है ये साइंस की क्लास में, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताओ, हाइग्रोमीटर, माइक्रोमीटर, थर्मोमीटर, हाइड्रोमीटर। और ये सवाल भी एसएससी के थे सारे के सारे, प्रीवियस ईयर के, एचपीजी को छोड़ के ऑब्वियसली। ठीक है, बताओ फिर। अ डैश मेजर्स द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर एंड दिस इज योर हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है, किस घरेलू कचरे में उत्कृष्ट पुनर्चक्रण क्षमता होती है? वेजिटेबल स्क्रैप्स में, मेटल में, प्लास्टिक में या फिर रबड़ में? विच हाउस होल्ड वेस्ट हैज एन एक्सीलेंट रिसाइकलिंग पोटेंशियल एंड दिस इज इंडीड वेजिटेबल स्क्रैप्स ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछा है? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक किसके द्वारा जारी किया गया है? इंटरनेशनल एनर्जी ट्रिब्यूनल के, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इंटरनेशनल एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है? आसान सा सवाल है, ये करता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों की जनसंख्या कितनी थी? परसेंटेज में आपने बतानी है, लगभग लगभग 10, 12, 16 या फिर 14%। 2011 के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन थी 14.2%। आई थिंक हमने ये किया हुआ है, ये है ना, मिसलेनियस क्लास में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है, यानी कि पार्शियल है ना, आधा अधूरा स्टेट हुड इन इंडिया? चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी? और ये है आपकी, नो डाउट पुडुचेरी ही है। आज का हमारा सेकंड लास्ट सवाल है, मलेरिया और काला आजार किसके कारण होता है? मलेरिया एंड काला आजार साइंस की क्लास में पढ़ाया हुआ है ये, बताओ मलेरिया और काला आजार किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ या फिर वायरस? तो मलेरिया किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सी, यानी कि प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इसलिए आया क्योंकि प्लाज्मोडियम की बात यहाँ पे होती है। नेक्स्ट सवाल है, चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ इंपॉर्टेंट गॉड्स ऑफ द वैदिक पीरियड। ये लास्ट है हमारा, आज का आखिरी सवाल है यहाँ का। क्या पूछा है? वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह बताइए। ब्रह्मा, प्रजापति, गरुड़, शेषनाग, चंद्र, यमा, वरुणा, विष्णु, शिवा, अग्नि, इंद्रा, सोमा? तो करेक्ट ऑर्डर आपने बताना है, तो क्या होगा इसका सही जवाब? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि अग्नि, इंद्रा, सोमा। तो ये थे कुछ एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो हमने किए टैकल, और जितना आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाए हैं, मेरा ये मानना है उन्हीं को आप पढ़िए। वैसे तो आपको अभी तो उतना ज़्यादा टेंशन भी मत लीजिए, बहुत ज़्यादा इस स्टेज पे आपको लगेगा मैं ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, बट अपने नोट्स ही पढ़िए, ठीक है? जितने भी एचआरटीसी स्टूडेंट्स हैं, और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, कि आपका जो पेपर है वो बिल्कुल आप क्लियर करके ही आएँ कल के कल ही, ठीक है? अच्छे इतने नंबर आ जाएँ कि फिर आपको मेरिट और कट ऑफ का ज़्यादा वो टेंशन ना लेनी पड़े, है ना, जैसे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। रही बात नेगेटिव मार्किंग की, उसका ज़्यादा डर मत लीजिए अपने दिमाग में, क्योंकि 1/4 ही कटेगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, आप है ना, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो करने चाहिए, आप अटेम्प्ट करिए जितने कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो बहुत ही जहाँ पे लगता है, देखो ना, चार ऑप्शन होती हैं आपके पास, जहाँ पे आपको पता है दो ऑप्शन आप मिनिमम बाहर कर सकते हैं विद 100% कॉन्फिडेंस कि ये आंसर तो होगा ही नहीं, बची कौन सी ऑप्शन, दो ही बची, उसमें तो जाइए ही जाइए। क्योंकि अगर आप 12 क्वेश्चन मान लीजिए गलत करते हैं, तब भी कितने ही कटेंगे आपके, है ना, एक क्वेश्चन का 1/4 ही हुआ। चार क्वेश्चन गलत करोगे तब जाके एक नंबर कटा आपका पूरा, है ऐसा कि नहीं है? चार क्वेश्चन पे एक नंबर जाएगा प्रॉपरली, अगर आप देखेंगे। सेम कहानी, 8 क्वेश्चन पे दो जाएंगे, 12 क्वेश्चन अगर गलत होंगे, अगर गलत हुए तब जाके कटे 3 नंबर। अच्छा, अगर 12 में से तुम्हारा तुक्का ही नहीं लगेगा, यार कमाल कर रहे हो, अगर तुम नॉर्मल आंख बंद करके भी ऑप्शन सी सी करके आओ तब भी मेरा मानना है 4 तुम्हारे ठीक होंगे, तो एक का तो फायदा ही है। तो नेगेटिव मार्किंग इज नथिंग, इट्स जस्ट सिंपल मैथ एंड कैलकुलेशन, ठीक है? तो आराम से जाइए, लगाइए। हाँ,
जहां चार ऑप्शन का पता ही नहीं है सर, देखा ही नहीं है क्वेश्चन, दिमाग में भी नहीं है, कभी कभी अक्रॉस हुआ ही नहीं है क्वेश्चन, फिर छोड़ दो। वैसे वाले 5-10 छोड़ देना अगर वैसे वाले हैं, बाकी क्वेश्चन कम से कम 80 तो अटेम्प्ट करके ही आना बाबू, 80 से 90। ठीक है, ऐसा मत करना कि क्वेश्चन ही 40 अटेम्प्ट किए हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो उतना कर मत करना। ठीक है, मैथ कैसा आएगा अब HPPSC देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो नॉर्मल कैसा आएगा मैं कैसे बोल सकता हूँ, है ना, मेरे को बताया नहीं है इन्होंने, इन्होंने बोला था, इन्होंने नहीं बताया ना, इन्होंने बताया कि एक वो पढ़ लेना, वो पीस में नोबेल प्राइज किसको मिला है अभी का, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी कौन है, वो सवाल आ चुका है ना पेपर में, ठीक है, देख लेना उसको अच्छे से। चलिए, तो ये थी कहानी, खैर जस्ट किडिंग, मजाक ही कर रहा हूँ, है ना, सीरियस मत ले लेना इस चीज़ को। सो सभी बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा, तथास्तु, है ना, विजयी भव, कल जाइए, अच्छे से जाना है, प्रेपरेशन करनी है, इनकी ज़्यादा टेंशन लेनी थी, आप पूछते रहते हैं नेगेटिव मार्किंग, जब तक ऑफिशियल नहीं आता है हम कभी भी झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, हम ना ही बोलते हैं, है ना, जब ऐसे कैसे बोल दें भाई, अब जब उन्होंने बोला, आप बाकायदा बताया, हाँ तो ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, उसका भी कुछ है नहीं है सच रूल, यहाँ पे बता दिया मैंने आपको, कम से कम 80 क्वेश्चन तो मिनिमम अटेम्प्ट करके ही आने हैं, 80, है ना, 90 हो जाएं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ 4 क्वेश्चन का पता ही नहीं है ऑप्शन, उसको छोड़ ही दो, वो बेटर वे है, जब पता ही नहीं है छोड़ दो, लेकिन जहाँ पे है पता कि हाँ 2 तो मैंने बाहर कर दी, बची 2 ऑप्शन, ऐसे भी हो सकता है कम से कम 10 सवाल आपके पास टकराएं, जहाँ पे 2 पे तो आप श्योरिटी हैं, तो यहाँ पे चांसेस हैं आपके ठीक होंगे। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना, बाकी उम्मीद करता हूँ, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना, दुआ करूंगा स्टडी नाइट के बच्चों के लिए कि आप सभी का एग्जाम क्लियर हो जाए कल के कल ही। सो थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ पे आने के लिए, उसके बाद भी हम आगे प्रोसीड करेंगे, मिलेंगे आपसे, है ना, यूट्यूब सेशन पे। सो थैंक यू सो मच, जय श्री राम, जय महाकाल, राधे राधे, ओके एवरीवन।